हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल आरएस आईएएस स्टडी 1484। नमस्कार दोस्तों, आप लोग के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, क्या आप बीपीएससी 66 का एग्ज़ाम्स दें? फ्रेंड्स, आप उसके आंसर्स की को वेट कर रहे हैं? आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं? फ्रेंड्स, आपको प्रीलिम के रिजल्ट का वेट है? फ्रेंड्स, और 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, आप सब कुछ जानना चाहते हैं? फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि आपकी जितनी क्वेरीज होंगे कि 66 बीपीएससी का कट ऑफ कितना जाएगा, ये ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, फिर भी आज हम डिस्कस करेंगे इसके आंसर्स की कब तक आएगी, ये हम डिस्कस करेंगे। इसका प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा फ्रेंड्स आफ्टर आंसर की, एंड देन 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका प्रीलिम्स कब होगा फ्रेंड्स, तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। हाँ दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि बीपीएससी या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि हम इस पर फ्रेंड्स काफ़ी वीडियोज़ डालते हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्सन। हम इस पर फ्रेंड्स एमपीपीएससी, यूपीपीएससी और स्पेशली यूपीएससी 2021, अब तो 2021 हो गया, इस पर कंप्रेहेंसिव कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और अगेन फ्रेंड्स, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डाल देंगे, क्योंकि अगर आप लोग स्पेशली यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके इतने करंट अफेयर्स फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल से कवर हो जाएंगे, उसका लिंक मैं आप लोग को नीचे बॉक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जितने हिंदू और पीआईवी के डेली एनालिसिस होते हैं कट, वो पूरा एनालिसिस करके वो हम रिसर्च करके उस पर डालते हैं। और अगर आप लोग उतना कर लेते हैं फ्रेंड्स, छः से सिक्स मंथ टू वन ईयर, तो आपका प्रीलिम्स कहीं नहीं रुकेगा फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का कट ऑफ और उसके आंसर्स की, और लास्ट में दोस्तों थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 66 बीपीएससी जो छठी बीपीएससी हुई थी 27 दिसंबर फ्रेंड्स 2020, उसका जो दोस्तों कट ऑफ के लिए, क्योंकि देखिए कट ऑफ के काली काफ़ी वीडियोस आए हुए हैं और हमने भी डाला हुआ फ्रेंड्स, जो हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स ये कट ऑफ काफ़ी एक्यूरेट है, क्योंकि हम साइंटिफिक वे में और काफ़ी रिसर्च करके हमारा कट ऑफ थोड़ा मिनिमम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर, तो ये चीज़ देखिएगा। अदर के कट ऑफ जो है काफ़ी ज़्यादा, किसी किसी के 101 तक जा रहे हैं, तो हमारा कट ऑफ काफ़ी एक्यूरेट होगा। तो देखिए कट ऑफ के क्राइटेरिया होते हैं, यहाँ पे क्या सिर्फ दो होगा, एक तीसरा होता था सी सेट, लेकिन यहाँ पे सी सेट एक्चुअल में होता नहीं है, तो इसलिए क्राइटेरिया इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर ऑफ वैकेंसी, अगर कोई भी कट ऑफ हम डिसाइड करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी फ्रेंड्स, इस बार देखिए करीब जब नोटिफिकेशन आया था तो करीब 750 प्लस थी, लेकिन आज के टाइम में फ्रेंड्स 850 के करीब वैकेंसी है, मतलब 850 वैकेंसी है, 850 प्लस वैकेंसीज हैं। और ये याद लीजिए कि जब भी रिजल्ट प्रीलिम्स का आएगा आप देखिए 1000 प्लस वैकेंसी हो जाएंगे, आप एक चीज़ याद रखिएगा 1000 प्लस, क्योंकि देखिए किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि वैकेंसी हमेशा ऐड होती रहती है। अभी हालांकि यूपीएससी फॉलो करने का लगा, क्योंकि 89th जो है अभी वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट निकाले 2020 का, तो ये वैकेंसी है, तो वैकेंसी देखिए अच्छी खासी है, क्योंकि 850 वैकेंसी काफ़ी, अगर 1000 हो जाती तो बहुत वैकेंसी हो जाती, लास्ट टाइम तो 350 के आसपास थी, तो वैकेंसी है, इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा डाउन जाएगा। सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ पेपर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप लोग याद रखिएगा, इस बार का जो पेपर था इसका एक स्टैंडर्ड था, मैं एक वर्ड कर रहा हूँ स्टैंडर्ड यूज इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए स्टेट में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो क्या होता है क्वेश्चन काफ़ी वन लाइनर आते हैं और रटने वाले आते, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता था, लेकिन इस बार क्या है, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम्स ले रहा है, वो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, तो बीपीएससी ने भी काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड लिया है। उसमें क्या लिया, सबसे अच्छा देखिए हिस्ट्री, जिन लोगों को लग रहा है कि हिस्ट्री काफ़ी ईजी था, मैं बताता हूँ, देखिए हिस्ट्री स्टेट में हमेशा ऐसे ही पूछता है, सिर्फ यूपी को छोड़ करके, क्योंकि स्टेट के एग्ज़ाम में ही हिस्ट्री ऐसे ही पूछता है, और हिस्ट्री फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा था, उसमें काफ़ी लोगों के गलत हुए हैं, ईजी था लेकिन ईजी में क्या होता फ्रेंड्स ना, गलत भी होते काफ़ी, कुछ ट्रिकी भी था। और दूसरा देखिए इसमें क्या होता है ना कि बीपीएससी बिहार में एक ई ऑप्शन, जो ई ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा हर्डल प्ले करता है, क्योंकि ई ऑप्शन की वजह से क्या होता है, स्टूडेंट्स कई बार चूज नहीं कर पाता है, और आयोग जब आप क्लेम करेंगे तो उसको आयोग ही मान लेता है। ये देखिए कट ऑफ भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ
चेंज होने का। तो पेपर का नेचर ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो पेपर का नेचर अच्छा था, इजी नहीं था, मॉडरेट टू टफ कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी साइंस का ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, खासकर वैलोसी के क्वेश्चंस थे। तो एक स्टैंडर्ड, जैसे जो नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स होंगे आर्ट्स वाले, तो उन लोगों के लिए दिक्कत होती है ये, स्पेशली साइंस वालों को भी दिक्कत होती है बायोलॉजी में, ऐसे कुछ पोर्सन होते हैं। तो साइंस का स्टैंडर्ड अच्छा था, करंट काफ़ी अच्छा था। और दूसरा बिहार स्पेशल, देखिए सबसे बड़ी चाहिए बिहार स्पेशल जो इस बार बिहार स्पेशल था फ्रेंड्स, इस बार के क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग थे, क्योंकि देखिए हिस्ट्री मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ था, जिसमें इंडस्ट्रीज और रिवर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो ये क्या होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है, अगर आप इसको टिक क्या लगाएं, आयोग अगर ई मान लेता है, मेरा मानना है तीन जो बिहार के हैं क्वेश्चन स्पेशली कंटिन्यू उसके ई ऑप्शन होंगे, क्योंकि एक दो दिन में मैं आंसर की का वेट कर रहा हूँ, जैसे आंसर की आता है मैं आप लोगों को डिस्प्यूटेड क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते करीब 15 से 20 क्वेश्चन है वो, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ जैसे आंसर की आती है। तो 15 से 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये इसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी वेरी कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नेचर ऑफ पेपर में देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हिस्ट्री का लेवल अच्छा था, इजी था लेकिन अच्छा था, इसमें काफ़ी गलतियाँ होती। साइंस अब तक का सबसे टफ था फ्रेंड्स, नो डाउट। ज्योग्राफी भी अच्छा था, काफ़ी मॉडरेट। और जो बिहार स्पेशल एक्चुअल में क्या है ना कि इसमें भी काफ़ी गलतियाँ हुई, काफ़ी कन्फ्यूजन था इसमें, इसको हम कन्फ्यूजन वर्ड यूज कर सकते हैं, कन्फ्यूजन था इसमें। आप क्वेश्चंस आप आंसर अटेम्प्ट किए हैं लेकिन आयोग क्या मानता है उस पर डिपेंड करता है। और करंट का भी एक स्टैंडर्ड था, करंट भी काफ़ी अच्छा था फ्रेंड्स। और देखिए हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखिए इकोनॉमी के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे इस बार, क्योंकि थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप थे, एनालिसिस वाले थे। तो ये क्या है, ये फैक्टर होता है, इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस थे, एनालिसिस वाले थे क्वेश्चन। तो इससे क्या होता है, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन जो मतलब मेमोरी टाइप याद करना चाहते हैं वो उन लोग क्वेश्चन आंसर्स गलत हो जाते हैं। और कई ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप एग्ज़ाम हॉल में जाके 2 घंटे पेपर लगा रहे हैं तो आप वहीं पर टिक कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी करता है हमेशा। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपीएससी में जिस जो आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर एग्जाम साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं, वहीं सेम क्वेश्चन यहाँ पे था। तो इसलिए देखिए ये सब चीज़ों के बाद कट ऑफ जो डिसाइड की गई है इस बार, आप देखिए चीज़ें, क्योंकि मानता हूँ कि बिहार थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, अगर ईमानदारी से हुआ सब कुछ अच्छा रहा तो ये चीज़ याद रखिएगा कट ऑफ। और जो कट ऑफ ये हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये कट ऑफ जो फाइनल आंसर की, ध्यान दीजिएगा फाइनल आंसर की, आंसर की उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए इनकी एक आंसर की आती है फर्स्ट में, अभी आएगी 1-2-3 दिन में आने वाली फ्रेंड्स। तो फर्स्ट आंसर की जब आएगी तो इसमें क्या करते हैं, ये किस आप आपत्ति लगाएंगे तो चेंज करते हैं क्वेश्चन। पिछले बार 11 क्वेश्चन हुआ था, इस बार पता नहीं 15-20 कर दें, लेकिन सब मुझे नहीं लगता कि कम से कम ये 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि चेंज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कट ऑफ चेंज होता है। ये मैं फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग कट ऑफ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, फाइनल आंसर की जो होती है। और जो हमारा जो आंसर की है जिस समय हमने प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी ये कट ऑफ ही होना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए कट ऑफ क्या है, सॉरी ये 66 है, तो 66 बीपीएससी का फ्रेंड्स प्रीलिम्स कट ऑफ। देखिए कैटेगरी वाइज, देखिए जनरल की कट ऑफ जो मैं अभी बोल रहा हूँ 92 to 96, याद रखिएगा मैक्सिमम 96 तक जा सकती है, लास्ट टाइम भी गई हुई है 96 और 97 यहीं जाती है हमेशा, इसका मैक्सिमम जो है पीक होता है ना वो है, अब मिनिमम 92। तो याद रखिएगा 92 से 96। अब जब रिजल्ट आएगा ना, आप खुद मेरे इस वीडियो को आप लोग सेव कर करिएगा और इस चीज़ को याद रखिएगा, रिमेंबर करिएगा कि हमने जो चीज़ दिया हुआ था कट ऑफ, क्योंकि हम काफ़ी साइंटिफिक वे में दे रहे हैं, क्योंकि लॉजिकली वे में। देखिए बीसी कट ऑफ देखिए 90 to 92। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ, हम देखिए ईडब्ल्यूएस को क्यों नीचे दे रहे हैं, उसके पीछे रीज़न आप देखेंगे यूपीएससी में जो हुआ था फ्रेंड्स की जो ओबीसी से था उससे करीब 2 मार्क्स कम था ईडब्ल्यूएस का। तो एक्चुअल में होता क्या है ना, ईडब्ल्यूएस को एक सेपरेट कैटेगरी दे दी है, इस पर हम बाद में वीडियो बताएंगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा डिस्प्यूटेड भी है। तो इसका कट ऑफ कम जाएगा 88 92।
80, और स्टील की सेम ही होता है 80-60-90, क्योंकि देखिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं और उनका जो है काफ़ी कम होता है, 7.5%, 13% होता है। ईबीसी का देखिए 86-90% है, इसका कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। इसलिए देखिए पीडब्ल्यूडी का, पीडब्ल्यूडी मतलब पीएच वालों का फ्रेंड्स कट ऑफ है 82-82। अब देखिए फीमेल का सबसे बड़ी चीज़ है, रिजर्व और अनरिजर्व दोनों के लिए 82-86, हो सकता है 80 तक भी चला जाए कट ऑफ। तो देखिए ये कट ऑफ पूरी लिस्ट है, और कट ऑफ एक ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने का चांस नहीं है। 96 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी कट ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि 96 मैक्सिमम मार्क्स हो गया, ये बहुत मार्क्स है। कुछ लोग 101 बता रहे हैं, देखिए आंसर की अगर वो 20 क्वेश्चन चेंज करते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन जो अभी ऑप्टिमम जितने भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट वाले, या आपने भी रिसर्च किया होगा, हमने भी दिया होगा काफ़ी एक्यूरेट आंसर की दिया, अगर उसके अकॉर्डिंग अपनों को इतने मार्क्स बन रहे हैं तो यू आर गोइंग टू क्रैक द प्रीलिम्स 2020 66 बीपीएससी। अब जा रहे हैं क्रैक करने, आपका हो जाएगा, और मेंस की तैयारी करते रहिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये चीज़ें फ्रेंड्स, तो देखिए कट ऑफ का ये है, और आगे बढ़ते हैं आपकी जो क्वेरीज थी तो क्वेरीज डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाँ, देखिए सबसे पहले देखिए कट ऑफ की बात कर ली, सेकंड चीज देखिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आंसर्स की, ये आंसर की कब तय की। देखिए जनरली होता क्या कि 15 से 16 डेज में बीपीएससी आंसर्स की देता है। 27 दिसंबर को हुआ था एग्ज़ाम, 27 दिसंबर को हुआ, तो ऑलमोस्ट देखिए आज 10 तारीख है। आप देखिएगा 2 डेज, विद इन 2 डेज मतलब 2 दिन के अंदर आंसर की, ट्यूसडे तक आंसर की आ जाएगी, नोट कर लीजिएगा, ट्यूसडे तक आंसर की आ जाएगी। और उसका रिजल्ट, अब रिजल्ट जब आंसर की आएगी आप लोग आपत्ति लगाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो करीब 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। रिजल्ट आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपका रिजल्ट ये दिसंबर के एंड, सॉरी जनवरी, जनवरी के एंड में, क्योंकि देखिए अब आयोग क्या ना पिकअप पे आ गया, हर आयोग चाहे UPPCS हो चाहे MPPSC भी हो, MPPSC का अभी डिस्प्यूट चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा कोर्ट की वजह से लंबा चल गया था, अदरवाइज 1 साल में वो भी दे देते थे। तो ये अच्छी चीज़ थोड़ा, तो जनवरी के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, या मे बी मैक्सिमम हार्ड डी जाएगा तो फेब तक, फेब के फर्स्ट वीक तक, फर्स्ट वीक। अब देखिए इससे क्या होगा, आपको टाइम बहुत कम है, क्योंकि होता क्या कि अगर आप लोग वेट करते रहेंगे रिजल्ट का, तो आपको हार्डली 2-3 मंथ्स मिलेगा मेंस के लिए, और इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट इंटायर सिलेबस अब मेंस, मतलब ये इम्पॉसिबल है कि आप इंटायर सिलेबस मेंस का कंप्लीट कर लें 3 महीने के अंदर। तो अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं, तो अगर आप लोगों ने अच्छे से दिया हुआ है, 2-3 बार मेंस दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेशर्स हैं, अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है, तो ये इम्पॉसिबल है कि 2 से 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए आप अभी से कंटिन्यू लग रहे हैं, बार बार ये बोलते हैं कंटिन्यू लग रहे हैं, और आंसर राइटिंग करते रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आंसर राइटिंग चलता है, हमारे चैनल पे अगर आप लोग चाहेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम प्रीलिम स्पेसिफिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि स्पेशली UPSC ओरिएंटेड होगा, और उसके बाद BPSC एंड UPPCS, ये 2 चीज फोकस होगा, थर्ड MPPSC, ये 3 हमारा 3 स्टेट इस पर फोकस रहेगा, आई मीन UPSC फ्रेंड्स। तो इसके लिए प्रीलिम्स स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसकी वजह से क्या है कि देखिए रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, काफ़ी फास्ट चल रहा है, बस ये कि फेयर हो, ईमानदारी से हो, तभी स्टेट में थोड़ा सा ट्रस्ट कम होता है कहीं भी। तो अगर यहाँ तक होता है देखिए जनवरी के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं तो फिर फेफ के फर्स्ट वीक तक। कट ऑफ के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर ली, और हाँ 67th, देखिए 67th 67th BPSC, देखिए 67th BPSC का नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, क्योंकि इसके एग्जाम्स देखिए इस बार जल्दी होगा, जुलाई में भी, जुलाई या अगस्त तक, अगस्त तक याद रखिएगा, जुलाई तक होता है, क्योंकि देखिए UPPCS का भी आने वाला है, MPPSC का भी आने वाला है। अब क्या है ना कि धीरे धीरे, चलिए कुछ हद तक धीरे धीरे UPSC के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है पेपर का स्टैंडर्ड नहीं है, लोगों ट्रांसपेरेंसी नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम अब तो सही है ना, क्योंकि BPSC पिछले 2-3 साल पहले आप देख सकते हैं, पिछले 3-3, 4-4 साल तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता था, सेम वही केस UPPSC के लिए था। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखे रहें, क्योंकि तैयारी रखे रहेंगे तभी, क्योंकि देखिए ये क्या होता है ना कि आप 1 से 2 महीने में नहीं कर सकते,
आपको कंटिन्यू जो है लगे रहना होगा। अगर आप कंटिन्यू लगे रहेंगे तो अगर 66 में नहीं होता 67 आप क्रैक कर सकते हैं। कंटिन्यू आपको टाइम लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मेंस की तैयारी अच्छे से करनी होगी, तो इसलिए फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो में उतना ही फ्रेंड्स। हमने पूरा कोशिश किया आप लोगों को जितनी क्वेरीज होती हैं एक्सप्लेन करने की, समझाने की। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें छूट गई हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।